सच जरूरी है। गुरु शिष्य के रिश्ते हुए तार तार, रेप के बाद हत्या कर छात्रा को नदी में फेंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने की घटना घटी है। नवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। उस आरोप में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद शिक्षक को हिरासत में ले लिया। ये घटना मुर्शिदाबाद के कांदी में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शनिवार को कांदी अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया। कांदी अनुमंडल न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार नौवीं कक्षा की छात्रा 17 फरवरी की रात आरोपी के साथ पढ़ने जाने के बाद घर नहीं लौटी। इसके बाद से नाबालिग का पता नहीं चल सका। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। 23 फरवरी को छात्रा का सड़ा गला शव नदी से मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ सप्ताह बाद 23 फरवरी को छात्रा का सड़ा गला शव शक्तिपुर थाने के बबुल नदी में मिला था। परिजनों के मुताबिक ट्यूटर और उसके कुछ दोस्तों ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सबूत मिटाने के लिए शव को नदी में बहा दिया गया। कांती थाना पुलिस ने मामले की जांच की और ट्यूटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। ट्यूटर ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा के साथ किया गैंगरेप। मृतक नाबालिग की दादी ने शिकायत करते हुए कहा, उसकी पोती को उसका ट्यूटर कई दिनों से प्यार करता था। वह इस घटना के बारे में सब कुछ जानता है। पुलिस जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। हमें लगता है कि ट्यूटर और उसके दोस्तों ने मेरी पोती को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी। हम इसके लिए न्याय चाहते हैं, कांदी अनुमंडल न्यायालय के लोग, अधिवक्ता शुभ्र कुमार मिश्रा ने कहा। हत्या करने वाली लड़की की दादी ने आरोपी के नाम से भरतपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हमने आरोपी से पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में की अर्जी दी थी। न्यायालय ने उसे 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया है। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने कहा, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जांच चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 साल बाद मिला इंसाफ, गैंगरेप कर नाबालिग की हत्या। भगवान शिव की नगरी देवघर की अदालत ने एक नाबालिग को सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के वक्त तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। यह वारदात 3 साल पहले 8 अप्रैल 2020 का है। पुलिस ने उसी समय आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई स्पेशल पॉस्को कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला दिया है। केस डायरी के मुताबिक नाबालिग लड़की वारदात के दिन घर से कपड़े सिलवाने के लिए निकली थी, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। अगले दिन उसका शव शतविशत स्थिति में मिला था। परिजनों ने शव को देखने की दुष्कर्म की आशंका जताई और पुलिस में तहरीर दी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों विष्णु यादव, रितलाल यादव और भावेश यादव को गिरफ्तार किया था। जंगल में मिला था शव। पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वारदात के दिन शाम को वह घर से कपड़े सिलवाने निकली, लेकिन देर रात तक नहीं घर पहुंची। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। अगले सुबह सुबह किसी ने बताया कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर घोरमारा के जंगल में लड़की का शव पड़ा है। इस सूचना पर परिजन पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसके निजी अंगों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने शव के पास से ही उसकी साइकिल, चप्पल और कपड़ा बरामद किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम। घाटी में एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की है। जानकारी के मुताबिक यहां जम्मू कश्मीर बैंक अचन के पास आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर घायल कर दिया।
घायल कश्मीरी पंडित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी पंडित की पहचान 40 साल के संजय पंडित के रूप में हुई है। संजय पंडित अचल पुलवामा के रहने वाले हैं। संजय बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है। गोली मारे जाने की घटना के बाद संजय को स्थानीय लोगों को और पुलिस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उधर जानकारी के बाद सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच गए। इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच एक अल्पतनात आतंकवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने सोशल मीडिया राइट्स पर हमले की जिम्मेदारी ली है, जो वायरल है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे मनीष न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।